सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, कैसे हैं सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेरे नए आईफोन की। पहली बार जनाब मैंने पहली बार आईफोन लिया है और मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाली जो फीलिंग होती है ना, वो आ रही है पहली बार एक कोई अमीरों वाली चीज़ लेकर। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की। और यहाँ से नहीं, थोड़ा 4 दिन पहले आप जाइए और अनबॉक्सिंग देखिए। तो यस, इतनी मेहनत करते हैं और वीडियोस बनाते हैं आप लोग के लिए, और आप लोग देखते भी नहीं हो, देखते हो तो लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। जल्दी से सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आ चुका है हमारे पास iPhone 11। तो एक्सपेंस तो आपने देख ही लिया होगा टाइटल में, तो उसके बारे में ज़्यादा बात ना करके पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। और ये जो आप छोटा सा अलग से एक देख रहे हो, ये है USB-C 20W पावर अडाप्टर। कॉल है जो कि मैंने अलग से मंगाया है एप्पल की वेबसाइट से। ये मुझे पड़ा अराउंड 1900 के आसपास। और चूँकि इसके साथ जो चार्जर, जो पावर अडाप्टर मैंने सुना था, वो 5W का मिल रहा है। अब आई डोंट नो इसके अंदर है कि नहीं, बट व्हेन दिस मोबाइल कैन यूज 18W पावर अडाप्टर या 20W, तो 5W का क्या करें। तो मैंने अलग से ये मंगा लिया है। अलग से मैंने एक और चीज़ मंगाई है, वो है लाइटनिंग कनेक्टर ईयरफोन्स। आई थिंक मेरी कॉल है अभी, क्या कर सकते हैं, ऑफिस प्रायोरिटी। जब ना समझ आया तो फाड़ दो। बिल आ गया भाई। ओ भाई, और पुराना नहीं लग रहा मेरे यार, बहुत स्क्रैचेस से पड़े हैं इसमें। देखें इसमें क्या क्या है। वाओ, पहला आईफोन मेरा। अच्छा उल्टा है। और ये केबल मिली है, तो अच्छा हुआ मैंने पावर अडाप्टर मंगा लिया था, तो इसमें तो आया ही नहीं है कुछ पावर अडाप्टर वगैरह। अब बात करता हूँ मैं इसको खोलते खोलते कि 45K में मुझे कैसे पड़ा। तो फ्लिपकार्ट पे ये 54K का था, 55K का, 54999। और मेरा जो OnePlus 60 था उसका एक्सचेंज प्राइस मुझे 9500 बता रहा था, तो समवेयर अराउंड 45500 का पड़ गया। और उन्होंने शायद 100 रुपये एक्सचेंज का चार्ज लिया है आई थिंक, तो 45600 आप मान सकते हो। और प्लस ये 1900 का और अराउंड 1500 की 800 के आसपास ईयरफोन्स हैं। iPhone 11 128GB वाला जो ये वेरिएंट है, उसके साथ सारी चीज़ें, मतलब विद ईयरबड्स, पावर अडाप्टर, लाइटनिंग केबल वगैरह सब कुछ के साथ, मुझे 64K में पड़ रहा था फ्लिपकार्ट पे। बट मेरा एक दोस्त है मंगलम, उसने मुझे सजेस्ट किया कि वाई टू गिव 6000 एक्स्ट्रा टू फ्लिपकार्ट, जब बाकी सारी चीज़ें अलग से मंगाई जा सकती हैं। मैंने कहा हाँ, बात तो सही कह रहे हो तुम। इसको भाई बांध के रखेंगे। यार पैकिंग तो बड़ी धांसू है। फेस आईडी ओके, यस कंटिन्यू। हेलो
Hey Siri. Hey Siri, send a message. Hey Siri, what's the weather like today? Without कैसा दिखता है? अच्छा without ऐसा दिखता है. With के साथ ज़्यादा सही है. Dark. Welcome to iPhone. Swipe up to get started. Yeah. So before actually purchasing the phone, I researched something about the nature of this phone, whether it has dual SIM or not. Because mostly मैंने देखा था iPhones में dual SIM का behavior नहीं था, dual SIM का feature नहीं provided था. तो I researched something on that. तो मुझे पता चला eSIM का activation करना पड़ता है. You can convert your physical SIM into an eSIM and then you can continue using it as a normal SIM. तो अभी मैं eSIM का एक्टिवेशन के बारे में बताऊंगा. दिस इज इन रिगार्ड्स टू जियो सिम. वैसे ये बाकी एयरटेल, वोडाफोन और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स पे भी अप्लाई होता है. तो आपको करना कुछ नहीं है, मैं जियो के टर्म्स में बता रहा हूँ. जियो के नियर बाय स्टोर पे आप जाके उस सिम को, फिजिकल सिम को आप eSIM के लिए एक्टिवेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हो. देर आर नो चार्जेस फॉर दैट. फर्स्ट दे नीड योर आईडी प्रूफ. आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप वोटर आईडी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं. बट शर्त यह है कि आधार कार्ड पे जो आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं, नेम, एज, एड्रेस, जेंडर, सब कुछ डिट्टो मैच होना चाहिए आपके वोटर आईडी कार्ड से. सो विद इन कह सकते हो 24 आवर्स में मेरा एक्टिवेट हो गया था. नॉर्मली ये 4 घंटे में या 2 घंटे में एक्टिवेट हो जाता है. अगर नहीं होता है तो आप वापस से स्टोर पे जाके पूछ सकते हो. आई वुड रिकमेंड 24 आवर्स तक वेट करो, आराम से हो जाएगा. क्योंकि मेरा नहीं हुआ था, मैं भी घबरा गया था. जियो के स्टोर पे गया था, उन्होंने बोला 24 आवर्स में हो जाएगा आपका. अगर नहीं होता है तो हम फिर से अप्लाई करेंगे. दिस वन हैज 12 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल सेकेंडरी कैमरा, द प्राइमरी कैमरा, द बैक कैमरा विच वी हैव. And it also captures great videos. जितना भी अभी तक मैंने record किया है, मुझे इसके quality of the video बहुत अच्छी लगी. Camera जो मैंने selfies ली अपनी वो काफ़ी अच्छी थी. So the next thing that I liked about this camera is the ultra wide and the wide feature. Ultra wide holds 2.4 aperture and 120 degree wide angle. Normal आपको wide angle में आपको 1.8 aperture मिल जाएगा. So the other thing that I liked about this phone is the charging speed और इसका battery का performance. इसका battery मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यार बहुत अच्छे से ज़्यादा देर तक चलता है. Because I have been using it for 4 days और मैंने WhatsApp, Facebook सब कुछ चलाया, YouTube भी चलाया अच्छे से. और इसका performance अच्छा था. और ये जो चार्ज होता है 50% से ज़्यादा आधे घंटे में चार्ज हो जाता है. तो मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि रात भर लगा के रखना है ये वो वगैरह. थर्ड थिंग मुझे इसकी अच्छी लगी कि इसका ट्रू टोन डिस्प्ले जो है मुझे अच्छा लगा. और जब भी मैं यूट्यूब की वीडियोस देखता हूँ या फिर कोई भी वीडियोस देखता हूँ तो मुझे डिस्प्ले इसका अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू माई प्रीवियस एंड्रॉयड फोन्स. सो आई होप यू लाइक दिस स्मॉल एंड शॉर्ट वीडियो ऑफ माई फर्स्ट टाइम परचेज ऑफ आईफोन. अगर आपको ये वीडियो किसी भी कारण अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल पे, बिकॉज एक नई राइड और एक बहुत ही बड़ी राइड आने वाली है. तो एक नया ट्रैवल प्लान बन चुका है. तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन. इसी के साथ आपको अगले एक ट्रैवल सीरीज में मिलते हैं. टिल देन ऐसे ही खुश रहो, मजे करो, ऐश करो और घूमते रहो. दिस इज मी साइनिंग ऑफ, अनिरुद्ध साठे. बाय बाय. सो आई वुडंट गो मच डीप. क्या? अरे मैं शूट कर रहा हूं ना, इधर आओ. सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन. अरे यार bye bye.